आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ टीचिंग पोस्ट यहाँ पे आपकी असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर ग्रेड वन ग्रेड टू सारी टाइप की पोस्ट यहाँ पे कवर हो रही है सबसे अच्छी बात है कि कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है फिर बिलोंग टू तो कैटगरीज लाइक एस सी एस टी एंड वुमन एप्लीकेंट हो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एप्लीकेशन फीस पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है परमानेंट पोस्ट है तो काफी ज़्यादा अलाउंसेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे हर टाइप की फैसिलिटीज़ मिलेगी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे आपको प्लस डिपार्टमेंट भी अच्छे सारे कवर हो रहे हैं लाइक हमारे कुछ व्यूअर्स ने डिपार्टमेंट की डिमांड करी थी लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री ह्यूमानिटीज सोशल साइंस मैथ्स इसके अलावा भी इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट भी है और भी डिपार्टमेंट है तो अगर आप इंटरेस्टेड हो आप तो वीडियो को जरूर चेकआउट करिएगा प्लस अगर आप कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट सर्च कर रहे हो कोई पर्टिकुलर टाइप की जॉब सर्च कर रहे हो वर्क फ्रॉम होम अपॉर्पर्चुनिटी सर्च कर रहे हो तो कमेंट में येस मेंशन करिए ताकि हम जल्दी से जल्दी आपको वो सारी डिटेल प्रोवाइड करें ये आपकी ऑफिशियल साइट है जहाँ से आपकी रिक्रूटमेंट रिलीज करी गई है यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड टू एंड ग्रेड वन की पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट है एंड प्रोफेसर की पोस्ट है जो असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड टू की है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर लेगे उसका पे लेवल सेम रहेगा आपका जो आपको पता है नॉर्मल यू आपको दे दी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दैट इज फिफ्टी से लेकर वन लाख फिफ्टी फोर थाउजेंड के बिटवीन देख एंड लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए यहां पे ट्वेंटी नाइन ऑफ एप तो आपको टाइम भी काफी ज्यादा मिल रहा है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए डिपार्टमेंट भी अच्छे खाल से कवर हो रहे हैं यहाँ पे लाइक नाइन डिपार्टमेंट है आपके तो फर्स्ट है सिविल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग में आपको दे रखा है कौन सी नंबर ऑफ पोस्ट है कौन सी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है कितना कैटेगरी में कितना डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो डिटेल दे रखी है आपको ना टैबले फॉर्म तो वो रीड कर सकते हो आप नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एंड जो आपकी रिक्रूटमेंट है ये पता है कहाँ से रिलीज़ करी गई है एनआईटी से रिलीज़ करी गई है एनआईटी आई टी मेघालय से ही तो यहाँ पे मोस्टली आपकी पोस्ट के लिए पीएचडी तो मैंडेटरी है ही लाइक अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड टू जो जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे अगर उसके लिए भी अप्लाई करते हो तो पीएचडी तो रिक्वायरमेंट है इट से आप मास्टर्स के बेसिस पे यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो ये इंपॉर्टेंट था प्लस यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट होती है लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड टू के लिए कोई भी एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है आफ्टर पी लेकिन पी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर एन और आई में अगर आप अप्लाई करते हो तो पी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था उसके अलावा स्पेशलाइजेशन क्या रहेगी वो दे रखा है सपोज अगर आप फिज़िक्स में अप्लाई करें तो एस्ट्रो पार्टिकल है केमिस्ट्री में अप्लाई करें तो सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो वो आपको यहाँ पे स्पेशलाइजेशन दे रखी है एंड कैसे अप्लाई करना है क्या प्रोसीजर रहेगा वो डिटेल दे रखी है अपलीकेशन फीस रहेगी थाउजेंड रुपीज़ इफ़ यू बिलोंग टू कैटेगरीज लाइक जियनोलॉबी सी एंड ई डब्ल्यू एस एंड इफ यू बिलोंग टू कैटेगरीज लाइक एस सी एस टी पी डब्ल्यू एम एंड वुमन अप्प्लीट तो आपको कोई भी अप्लीकेशन फीस पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है उसके अलावा अपनी कॉपी वगैरह मतलब ऑनलाइन कॉपी विल भी ट्रीटेड एज एन एडवांस कॉपी यहाँ पे डिटेल दे रखी है एंड फीस पे कैसे करनी है आपका जो एप्लीकेशन है प्रोजेक्ट किस किस बेसिस पे होता है लाइक ड्यूली फील्ड है या कुछ डिटेल्स आपने मेंशन नहीं कर रखी है तो वो डिटेल दे रखी है आपको वो चेकआउट कर सकते हो ट्राइलाउंस यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं करेगी फॉर अटेंडिंग इन काइंड ऑफ इंटरव्यू ठीक है एंड लास्ट वीक मैंने आपको बता दिया ऑफिशियल साइट ही है ये तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो लॉग इन वगैरह का प्रोसेस स्टार्ट करके अप्लाई करिए प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसकी ऑफिशियल साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी प्लस अगर आपको पर्टिकुलर टाइप की पोस्ट सर्च कर रहे हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा टिल देन टेक केयर हैप्पी डे एंड स्टे साइड